नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। इन दिनों देश में सबसे अधिक किसी बात की चर्चा है तो वह है जीएसटी। जीएसटी को लेकर लोगों में, व्यापारियों में काफी शंका कुशंकाएं हैं। हमारे साथ हैं सीए भरत नीमा जी, जिन्होंने जीएसटी पर हाल ही में एक किताब भी लिखी है। किताब का शीर्षक है जानिए व्यापारी कम सरल शब्दों में जीएसटी आयकर रेरा ताकि कोई चूक ना हो जाए। नीमा जी, आपका वेब दुनिया में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी इस किताब में ऐसी क्या खास जानकारियां हैं जो लोगों के लिए जीएसटी को लेकर फायदेमंद हो सकती हैं? सर, इस साल सरकार के द्वारा नोटबंदी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, उसके बाद जीएसटी और उसके बाद उसके साथ में ही रियल इस्टेट के लिए रेगुलेशंस रेरा लागू किया गया है। ये सब कंबाइंड होके जनता को काफी परेशानी महसूस हो रही है। इसको देखते हुए मैंने ये एक छोटी सी किताब लिखी है, जिसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये उन लोगों को ध्यान में रखकर लिखी है जिसके में जो व्यापारी है जो कानून की जानकारी बहुत कम रखता है, उसको इसमें शुद्ध और घरेलू भाषा में समझाया गया है। विशेषकर मेरा सबसे निवेदन है कि ये किताब अपने परिवार के साथ महिलाओं को भी पढ़ाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ में पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही सरल और इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी धाराओं का उपयोग करे बगैर इसमें हमने तीन चीजों का समावेश किया है। पहला है जीएसटी। जीएसटी के संबंध में जो अभी सबसे ज्वलंत प्रॉब्लम है वो कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा और उसको कैसे प्रैक्टिकली आप प्राप्त कर पाएंगे, उसमें फॉर्म दिया हुआ है, वो सभी आप अपने पूरे परिवार में अपने स्टाफ को दें ताकि उसमें सारे कॉलम्स दिए हैं ताकि वो तैयारी कर सके। जीएसटी को लेकर लोगों में कई तरह की आशंकाएं हैं, व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लोगों को महंगी वस्तुएं खरीदना पड़ेंगी, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, इसमें ऐसा आपने कहा कि वस्तुएं महंगी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लोगों को अभी मालूम नहीं है कि किस लोग एमआरपी पे माल खरीदते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उस माल पर एक्साइज ऑलरेडी कितना पेड कर दिया गया है। सेल्स टैक्स फिर भी पता रहता है कि कितना परसेंट सेल टैक्स है, तो सरकार ने थोड़ी सी वृद्धि करके उसको एनालिसिस करके कि एक्साइज प्लस वेट कितना लगता है, उसमें 1-2% वृद्धि करके रेट डिसाइड किए हैं। अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि वस्तुएं अपने हिसाब से बैलेंस में रही है। थोड़ी बहुत महंगी होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी नहीं होंगी। ये रेरा क्या है? रेरा सर, ये अभी तक कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी में कोई रेगुलेटर नहीं था, जिसके कारण जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते थे और फ्लैट बुक कर लेते थे और पेमेंट लेने के बाद अपनी मर्जी से वो फ्लैट की डिलीवरी देते थे, जिसमें कि आदमी को बरसों लग जाते थे और आदमी कहीं भी कानूनी रूप से किसी के पास जाने की स्थिति में नहीं रहता था। तो रेगुलेटर बनाने से अब इस रेगुलेटर के अंतर्गत बिल्डर को अपना रजिस्ट्रेशन रेरा के अंतर्गत करवाना पड़ेगा। अब रेरा ने इसमें एग्रीमेंट वगैरह सब फॉर्मेट तय कर दिए हैं, खरीदार उस फॉर्मेट का एग्रीमेंट करके उसमें तय समय पर उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर बिल्डर तय समय पर प्रॉपर्टी नहीं देता है तो वह ब्याज और कंपेंसेशन देगा। इसी प्रकार अगर फ्लैट खरीदने वाला कोई पेमेंट टाइम पर नहीं देता है तो उसे भी ब्याज देना पड़ेगा। और इसमें विशेष बात यह है कि जो फ्लैट खरीदने वाला बिल्डर को पेमेंट देगा
वो बिल्डर उस पेमेंट को एक अलग खाते में रखेगा, मतलब ये है कि वो पैसा सेफ रहेगा, वो किसी अन्य प्रोजेक्ट में नहीं लगा पाएगा। तो अब जो भी बिल्डिंग बनेगी वो समय पर कंप्लीट होगी, व्यक्ति को समय पर मिलेगी और सारा काम डिसिप्लिन में करना पड़ेगा। नीमा जी, अगर कोई एक सामान्य आदमी अगर जीएसटी को समझना चाहे तो क्या उन प्रमुख बातों की चर्चा कर सकते हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सके? जी, जीएसटी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद इसमें इस चीज को समझना जरूरी रहेगा सामान्य आदमी के लिए। जीएसटी के पहले सेंटेक्स एक्साइज करीब 17 तरह के टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट मिलाकर ले, उनका कहीं भी कंज्यूमर को पता नहीं चलता था कि किसने कितना टैक्स लिया है इस वर्ष में। अब जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी का जो भी आप माल खरीदेंगे बिल प्राप्त करेंगे तो उसमें कास्ट अलग से बताई जाएगी और टैक्स की राशि अलग से बताई जाएगी। मतलब जीएसटी के बाद ये रहेगा कि इस टैक्स के पहले कोई भी टैक्स उस आइटम पे नहीं लिया गया, यानी जनता ये समझ जाएगी कि इसकी अगर कास्टिंग 20 रुपए है और ये 100 में बेच रहा है क्योंकि टैक्स अलग दिखाया जाएगा, तो उसमें जनता ये डिमांड कर सकती है कि ये इतना महंगा माल क्यों बेच रहा है, इसमें कंपटीशन की भावना आएगी और लोगों को माल सस्ता मिल सकता। अब इस प्रकार लोगों को उस वस्तु की लागत का अंदाजा लगेगा और इस कारण से बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि इन सब चीजों को लेकर जो 37 रिटर्न भरने की बात आ रही है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो बोल रहे हैं कि उसको लेकर काफी घबराहट है बाजार में, लेकिन ये 37 रिटर्न को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर महीने आपको 3 रिटर्न करना है, लेकिन आपको एंट्री सिर्फ 1 रिटर्न में जो माल आपने बेचा है उसमें करना है, जो आपने सप्लाई किया उसमें करना है। अगला रिटर्न जो है GSTR2 वो ऑटो पॉपुलेट है, क्योंकि जो माल आपने सप्लाई किया तो उसके बेटे आपने किसी से खरीदा था तो वो GSTR1 भरेगा, तो आपको GSTR2 में आपकी खरीदी हुई डिटेल मिल जाएगी, आपको सिर्फ उसमें टिक करना है और रिव्यू करना है, और अगर किसी ने कोई रिटर्न नहीं डिटेल नहीं डाली है इनवॉइस की तो उसमें इनवॉइस की डिटेल डालना है और 20 तारीख को फाइनल रिटर्न भरना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कि ऐसा लगे कि जीएसटी में कोई बहुत ज्यादा परेशानी जाएगी। भरत, नीमा जी से हमने जाना कि जीएसटी का देश पर क्या असर होगा। नीमा जी, आपने वेब दुनिया से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।